हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने, बहुत ही पुराना दोस्त है, वो एक गिफ्ट मेरे लिए भेजा है। दोस्तों, जब मैं मणिपाल में था तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर में वो जो कैंपस है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, बहुत कुछ था। और उसमें मेस भी बहुत सारा था, उसमें अन्नपूर्णा मेस, उसके बाद फूड कोर्ट, सिंधी, ऐसे करके बहुत था। उसके बाद मेडिकल जो साइड था रोड के उस साइड, वो लोग का अलग मेस था। बट रूल ये था कि कोई भी बंदा या बंदी किसी भी मेस में जा कर के खाना खा सकता है। तो मेरे जो 10th ब्लॉक, जिसमें हॉस्टल में मैं रहता था, उसे सबसे नज़दीक पड़ता था अन्नपूर्णा मेस, तो मैं वहीं पे जाके खाता था। बट कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए मैं फूड कोर्ट में चला जाता था। और ये जो मेरा दोस्त था, वो अपना मेस वहाँ पे, वो लोग का मेडिकल वाला जो था फील्ड, वहाँ पे वो लोग का मेस था, वो छोड़ करके 2 किलोमीटर कवर करके वो भी आता था फूड कोर्ट। फूड कोर्ट जनरली जो हम लोग मैनेजमेंट वाले थे, इंजीनियरिंग वाले थे, उसके लिए था, जनरली वही लोग उस पे आते थे। बट ये वहाँ से उछल के यहाँ आ जाता था। ऐसा नहीं कि उसको खाना वहाँ का ज़्यादा पसंद था, बट उसका पर्पस कुछ और रहता था। और उसी में दोस्ती हुआ और अभी भी दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसी ने ये गिफ्ट मुझे भेजा है, और बहुत ही अच्छे फार्मेसी कंपनी में वो काम करता है और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। मणिपाल का जो फार्मेसी है बहुत ही अच्छा है, और इतना बड़ा गिफ्ट मैंने आज तक कभी नहीं ओपन किया है। और शायद आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए, तो 6 मंथ वो आया जब, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, बट फाइनली बहुत मेहनती लड़का था उसने। ये देखिए, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वाह। बहुत ही यूनिक गिफ्ट है ये, बहुत बड़ा बॉक्स है। तो मुझे टर्न ही करना पड़ेगा। वाह, ये बहुत अच्छा से पैक्ड है, बहुत अच्छा पैकिंग इसका, बहुत अच्छा है। ये देखिए, वाह, ये देखिए, ये है, उसने माइक्रोस्कोप भेजा है। और माइक्रोस्कोप जब मैं 9th 10th में था, तो उस समय हम लोगों ने यूज़ किया था, और अभी इसने भेज दिया है। ये देखिए, यहाँ पे स्लाइड्स है, यहाँ पे बहुत कुछ इसमें दिया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वाह, ये क्या है, ये देखिए, ये जो बाइनोकुलर जो है, ये आईपीस यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये अटैच होगा इस तरह से, जब कैमरा उमरा कभी लगेगा इसमें, फ्यूचर में हम लोग कैमरा भी लगाएंगे। ये देखिए, सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे जो पावर कनेक्शन रहता है, पावर का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो नीचे लाइट जो जलता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है ये। यहाँ भी स्लाइड्स है, ये देखिए बाहर आ रहा है। बहुत दिन हो गया यूज़ किया हुआ माइक्रोस्कोप। अरे रे रे रे, ये टूट गया है।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक टूट गया थोड़ा एक्चुअली, बहुत दूर से आता है ये और थोड़ा सा इस पर हैंडलिंग होता है तो ये टूट जाता है। ये देखिए, इसका फ्यूचर में हम लोग यूज़ करेंगे। ये है हमारा मेन माइक्रोस्कोप। वाह, बहुत हेवी है यार, बहुत हेवी है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत दिन के बाद मैंने देखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे इसे कवर करने के लिए एक बैग भी दिया गया है, सब कुछ है इसी के अंदर। और यहाँ पे देखिए, तो ये कैसे वर्क करता है बहुत ही अच्छा लग रहा है, कैसे ये वर्क करता है। मैं इसको पहले अच्छे से असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम, बहुत ही ओल्ड कंपनी है, एस्टैब्लिश 1962। जनरली जब हम लोग भी थे क्लास 9th में और 10th में, तो इसी कंपनी का माइक्रोस्कोप हम लोग यूज़ करते थे। सिंपल में बहुत ही अच्छा इसका रहता है और बहुत दिन हो गया इसे यूज़ किया हुआ, तो मैं सब कुछ सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद फ्यूचर में हम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में, और फ्यूचर में जब मैं इसे अच्छे से असेंबल कर लूँगा हर एक पार्ट्स को, उसके बाद हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।